एसकेपी 7 न्यूज शेखपुरा। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ राजद का बिहार बंद का शेखपुरा में स्वतः बंद का दिखा असर। नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ राजद का बिहार बंद का शेखपुरा में स्वतः बंद का असर दिखा। राजद कार्यकर्ताओं का भय दुकानदारों में ऐसा दिखा कि सुबह से ही दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। राजद नेता विजय सम्राट के नेतृत्व में दर्जनों राजद कार्यकर्ताओं ने झंडा, बैनर व तख्ती पर लिखे नारों के साथ बिहार बंद को लेकर सड़क पर करीब 10 बजे पूर्वाह उतरे, घूम घूम कर दुकानों को बंद कराते दिखे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। राजद कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से खुले दुकानों के दुकानदारों को गांधीजी के जरिए गुलाब का फूल देकर NRC के खिलाफ दुकानों को बंद करने का समर्थन मांगा, अपनी अपनी दुकानों को बंद रखने का अनुरोध किया। शेखपुरा में बंद के दौरान उपद्रवियों से निपटने के लिए जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती दिखी। यहां तक कि बंद का मुआयना करने लिए SP दया शंकर खुद भी सड़क पर गश्त करते दिखे, पुलिस बलों को निर्देश देते भी दिखे। वहीं राजद के बिहार बंद के आह्वान पर रालोसपा कार्यकर्ता भी उनके समर्थन में राजद कार्यकर्ताओं के साथ झंडा बैनर लेकर सड़क पर उतरे। विपिन चौरसिया के नेतृत्व में रालोसपा कार्यकर्ता सड़क पर दुकानों को बंद कराते दिखे। शेखपुरा से ललन कुमार की रिपोर्ट। बताइए क्या बंद कर रहे हैं? NRC के मुद्दा पे हम लोग आज बंद किए हुए, ठीक है, प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक। ये जो काला संविधान से छेड़छाड़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ हम लोग, और नीतीश कुमार उनके सहयोगी हैं उनके खिलाफ हम लोग पूरा बिहार बंद चप्पल। ये NRC है क्या चीज, ये समझ में नहीं आता जनता को, बताइए। सारा सबको पता है NRC क्या है। NRC क्या है पत्रकार महोदय, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आपको मालूम है कि लगातार पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को उकसाने की कोशिश अपने बिल के थ्रू लगातार कर रहे हैं। बावजूद इसके देश की जनता लगातार सहते आ रही है, और एक ऐसा बिल उन्होंने लेकर के आया ना सिर्फ एक पक्ष का बल्कि देश का जो संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ जो संविधान है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस सब को एक तरह का सम्मान देता है, उससे छेड़छाड़ भारत की सरकार लगातार कर रही है। आज के पूरे हिंदुस्तान में जो लोग निकले हैं सड़कों पर, वो CAA और NRC के विरोध में निकले हैं। ये है क्या, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है। कुछ मीडिया वाले करते क्या है, बेचारे ठेला रिक्शा चलाने वाले को उठा के पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि बताइए CAA और NRC क्या है। जो बेचारे रोज का दाल रोटी खाने वाले उनको क्या पता। क्यों इसके विरोध में यूनिवर्सिटियों से आवाज उठी, सबसे पहले स्टूडेंट क्यों उठाया, क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको आप क्लियर करके बता दीजिए कि NRC क्या है और कैब क्या है। देखिए एक चीज तो कॉमन है जो सबको पता है कि इसमें सबको शामिल किया गया है, मुसलमानों को नहीं किया गया। क्या चीज़ बता दीजिए? CAA में, ठीक है, जो बाहर से जो पहले 11 साल था जिसको अब घटा के शायद के 4 साल कर दिया गया है, कि जो 4 साल से यहाँ रह रहे हैं उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। इस पे तो पहले तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसमें ये सबसे पहले आर्टिकल 14 का वायलेशन है, जो हमारा प्रीएम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो कहता है, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जो बना के गए हैं, कि हिंदुस्तान में किसी भी मजहब किसी भी जाति किसी भी तरह से भेदभाव का जो है वो खेल नहीं है।